स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ केमलॉजी क्रैकर्स। मैं हूँ ऐश्वर्या मैम और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ इस चैनल में। जो लोग नए हैं, प्लीज आप लोग वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है चैनल में, उनके लिए आज मैं लाई हूँ आज का नया सेशन, जो कि है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का 7th लेक्चर। लास्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने बहुत अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को अच्छे से स्टडी कर लिया था। हमारा वहां पे ऑर्गन्स जो आपके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो खत्म हो गए थे। बचा क्या था? बचा था आपका लिवर और पैनक्रियास। आज हम लोग करेंगे स्टार्ट विद द लिवर। ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोग इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली प्लीज उसको देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड रहेगा और इधर आपका आई बटन रहेगा जहां से आप उस लिंक को क्लिक करके यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द लिवर। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी का। जितना मैं कम बोलूं मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिवर। तो हमें ये पोर्शन बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली एक एक चीज हमको यहाँ पे समझना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लिवर में अगर है तो हम क्या स्टार्ट करेंगे विद लिवर। लिवर जो है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। लिवर क्या है? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आपका लिवर है। अब ये जो लिवर है ये कुछ लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बना ले, अगर हम मान के चले कि ये हमारा लिवर है, तो आपके लिवर को हम दो लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम लिवर को दो लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। द लिवर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू लोब्स। लिवर को हम दो लोब में डिवाइड कर सकते हैं। इस साइड को हम बोलेंगे राइट लोब और इस साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट लोब। सो द लिवर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू लोब्स, द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। अब बारी आती है कि लिवर को राइट लोब और लेफ्ट लोब में कौन डिवाइड कर रहा है? इट इज द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या करता है? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट डिवाइड्स द लिवर इनटू द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। अब इसी राइट लोब में, इसी राइट लोब के पीछे यानी कि लिवर के पीछे आपका इस तरीके का एक ऑर्गन रहेगा। मैं डॉटेड स्ट्रक्चर क्यों बना रही हूं? क्योंकि उस स्ट्रक्चर को हम देख नहीं पाएंगे, है ना। उस स्ट्रक्चर को हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो पीछे है। उसका थोड़ा सा पोर्शन हमें यहां पे देखने को मिलेगा। दिस पोर्शन इज योर गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर आपका लिवर के पीछे रहता है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी? लिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू कितने लोब्स? लिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। हम दो लोब्स में लिवर को डिवाइड कर सकते हैं। कौन से लोब्स? एक है आपका राइट लोब एंड दूसरा है आपका लेफ्ट लोब। सो लिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। और कौन डिवाइड कर रहा है उसको? बाय फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। लिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब बाय फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या है? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट आपके लिवर के दो लोब्स में डिवाइड करते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। अब आपका ये जो राइट लोब है, इस राइट लोब को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब में, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे? राइट लोब कैन बी
फर्दर डिवाइडेड इंटू क्या? इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू वॉट? इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब. सो राइट लोब को हम फिर और दो टाइप्स ऑफ लोब में डिवाइड कर सकते हैं, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब. अब बारी आती है कि आपका गॉल ब्लैडर कहाँ पे रहता है. गॉल ब्लैडर आपके क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर के पीछे रहता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो हम क्या लिखेंगे, गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड पोस्टीरियरली, ठीक है ना, लिवर के पीछे रहता है, इज अटैच्ड पोस्टीरियरली टू द लिवर एट द क्वाड्रेट लोब. क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर के पीछे आपका गॉल ब्लैडर अटैच्ड रहता है बाय कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द लिवर. सो लिवर और गॉल ब्लैडर किस तरीके से आपका साथ में काम करते हैं वो अब हम देखेंगे. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नीट में एक क्वेश्चन आता है कि रैट एंड हॉर्स जो है ना, रैट एंड हॉर्स जो है इनके पास आपका गॉल ब्लैडर नहीं रहता है. तो हम क्या लिखेंगे, रैट एंड हॉर्स डू नॉट हैव गॉल ब्लैडर. ठीक है, रैट एंड हॉर्स के पास गॉल ब्लैडर नहीं रहता है. अब एक छोटा सा पॉइंट, लिवर क्या काम करता है, लिवर जो है ये आपके एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड को सिक्रीट करता है, दैट इज बाइल. ठीक है, हम पढ़ेंगे बाइल के बारे में कि क्या फंक्शन होता है, लिवर का क्या फंक्शन होता है, इट सिक्रीट्स बाइल. लेकिन बाइल लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बाइल स्टोर कहां पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर में जो है आपका बाइल स्टोर हो रहा है. द लिवर इज सिक्रीटिंग बाइल बट गॉल ब्लैडर इज स्टोरिंग द बाइल आफ्टर लिवर सिक्रीशन. राइट, चलो अब हर ऑर्गन होता है, हमने लंग्स भी पढ़ा है. हमने लंग्स में क्या स्टडी किया है कि लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होता है, लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है एल्वियोली. लंग एक ऑर्गन है लेकिन उस ऑर्गन के अंदर भी सेल्स है जो काम कर रहे हैं, है ना. तो लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो लंग्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं, वो कौन था, वो था आपका एल्वियोली. सिमिलरली लिवर एक ऑर्गन है. अब इसी लिवर का भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर को हम क्या बोलते हैं, वॉट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर नोन एज. कोई बता सकता है मेरे को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर को बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेपेटिक लोब्यूल. हेपेटिक लोब्यूल, आपका जो लिवर है इसका और एक नाम होता है आपका हेपार. क्या नाम होता है आपका, हेपार. तो कोई भी वर्ड हो अगर उससे पहले आपका हेपा वर्ड आता है, इट मींस दैट द वर्ड इज रिलेटेड विद लिवर. सो लिवर का और एक नाम होता है हेपार. और कोई भी वर्ड में अगर हेपा वर्ड आता है तो दैट मींस द वर्ड इज कनेक्टेड विद लिवर. तो लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है आपका, हेपेटिक लोब्यूल. ठीक है, अब इस हेपेटिक लोब्यूल के अंदर क्या रहता है, हेपेटिक लोब्यूल के अंदर रहता है आपका हेपेटिक सेल्स. सो हेपेटिक लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ हेपेटोसाइट्स. क्या रहता है इसमें,
इसमें रहता है आपका हेपेटोसाइट्स। साइट्स मतलब होता है सेल, तो हेपेटिक लोब्यूल में क्या रहता है? हेपेटोसाइट्स और हेपेटिक सेल्स। सो हेपेटिक लोब्यूल के अंदर क्या रहता है? हेपेटोसाइट्स और हेपेटिक सेल्स। और ये हेपेटिक सेल्स क्या करता है? ये हेपेटिक सेल्स आपका प्रोड्यूस एंड सिक्रीट करता है बाइल, प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स बाइल। ठीक है, सो हेपेटिक लोब्यूल का काम क्या होता है? हेपेटिक लोब्यूल का काम होता है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर का, साथ ही साथ में इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहता है आपका हेपेटिक सेल्स, जो कि किसका प्रोडक्शन कर रहा है? बाइल का प्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर है कि लिवर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू राइट लोब एंड लेफ्ट लोब बाय फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, गॉल ब्लैडर कहां पे रहता है? गॉल ब्लैडर आपका लिवर के क्वाड्रेट लोब के पीछे कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर क्या होता है? हेपेटिक लोब्यूल। क्वेश्चन नंबर फोर कि आपका ये जो हेपेटिक लोब्यूल है इसके अंदर क्या रहता है? हेपेटोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, हेपेटोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको ये लिवर क्लियर है। अब हम बनाने वाले हैं हेपेटिक लोब्यूल। ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं हेपेटिक लोब्यूल। आप यहां तक देख लीजिए, उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, दैट इज द हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत अच्छे से इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल क्या है? हेपेटिक लोब्यूल आपका लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो आपके क्या कर रहा है? जो आपके लिवर के अंदर बाइल का सिक्रीशन कर रहा है। और ये बाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फैट के डाइजेशन में आपको मदद करता है। फैट के डाइजेशन में आपको कौन मदद करता है? बाइल। क्लियर? चलो इसको हम अब अच्छे से इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। किसका? हेपेटिक लोब्यूल का। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूं, इसको हमें अच्छे से समझना है, बिना समझ के हम कहीं नहीं जाएंगे। बस इतना ही है मेरा कोशिश कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और आप अगर इसको नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा ना। कितने चैप्टर्स है आपके बायो में टोटल मिला के? 38 है ना, 38 चैप्टर्स याद रखना मतलब जानते हो भाई, ब्रेन है तुम्हारा, माइक्रोचिप थोड़ी है कि नहीं कि सब कुछ हम याद रखेंगे। चलो, इसके बीच में एक इस तरीके का होल रहता है, इसको हम सेंट्रल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम सेंट्रल वेन। ठीक है, चलो देखते हैं। वेन मतलब क्या है? जो आपका डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूं, इट इज अ डायग्राम कि आपके ये तो आपका हेपेटिक लोब्यूल है। व्हाट इज दिस? दिस इज द डायग्राम ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। ये आपका हेपेटिक लोब्यूल है, ये आपका हेपेटिक लोब्यूल है। लेकिन हेपेटिक लोब्यूल के अंदर आपके हेपेटोसाइट्स किस कैसे रहते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगर हम हेपेटिक लोब्यूल की बात करें, मैम ने आपको पहले ही बोल दिया है हेपेटिक लोब्यूल में रहता है आपका हेपेटिक सेल्स। ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूं, दीज आर योर हेपेटिक सेल्स। ये क्या है? ये आपके हेपेटिक सेल्स है। मैं हर जगह नहीं ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, दो तीन ही दिखा रही हूं मैं, आप लोग समझ जाना।
ये रहे आपके हेपेटिक सेल्स। क्या है ये है आपके हेपेटिक सेल्स। अब ये जो आपका बीच में सेंट्रल वेन है, ठीक है, नो डाउट ये जो आपका बीच में जो आपका सेंट्रल वेन है, वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन कोई तो ऐसा आदमी होगा जो लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी देगा। तो हम किस तरीके से अभी यहां पे ड्रॉ करेंगे, हम यहां पे हेपेटिक आर्टरी का एक ब्रांच ड्रॉ करेंगे, है ना। ये हमारा मान लो हेपेटिक आर्टरी का एक ब्रांच है। अब ये अगर हमारा हेपेटिक आर्टरी का एक ब्रांच है तो आपका इस तरीके से जाएगा, है ना। यहां से मान लो एक हेपेटिक आर्टरी है, वो इस तरीके से जा रहा है, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूं, दिस इज योर हेपेटिक आर्टरी, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा एक हेपेटिक आर्टरी था जो यहां से निकला, ये क्या है, ये आपका हेपेटिक आर्टरी है जो यहां पे आ रहा है, ये आपका हेपेटिक आर्टरी है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज योर हेपेटिक आर्टरी जो मैं रेड कलर से पूरा ड्रॉ की हूं, ये क्या है, दिस इज योर हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी का क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना। अब मैं तुमको यहां पे कुछ अच्छा एक चीज दिखाऊंगी, इसीलिए मैं यहां पे बहुत सारे ब्रांचेस उसके ड्रॉ की हूं, है ना। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन बस यही है कि तुम समझ जाओ ये तुम्हारा हेपेटिक आर्टरी है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर हेपेटिक आर्टरी। अब आपका ये जो हेपेटिक आर्टरी है इससे तो ब्रांच निकलेंगे, पहला वाला ऐसा एक ब्रांच निकल गया, ठीक है, दूसरा वाला भी यहां से इस तरीके से निकल रहा है, दिस इज द सेकेंड ब्रांच, दिस इज द थर्ड ब्रांच। मैं सबका नहीं दिखा रही हूं, मैं बस एक ही का दिखाऊंगी आपको, और आप समझ लीजिएगा बाकी में भी इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं सबका डायग्राम नहीं बना रही हूं हेपेटिक आर्टरी का, मैं बस ये बना रही हूं। अब ये है आपका हेपेटिक आर्टरी का एक ब्रांच, ओके, हम देख लिए ये एक हेपेटिक आर्टरी का ब्रांच है, इस तरीके से जा रहा है। मैं यहां पे क्यों ऐसे ड्रॉ कर रही हूं समझ में आएगा। अब हेपेटिक आर्टरी तो हो गया, हेपेटिक आर्टरी के बाद आपका क्या है, आपका हेपेटिक वेन है। तो मान लो ये आपका हेपेटिक वेन है, पूरा एकदम वही वाला कलर देखो ना मैंने बनाया है मार्कर में, मान लो ये तुम्हारा हेपेटिक वेन है। अब हेपेटिक वेन क्या करेगा, हेपेटिक वेन भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। तो यहां से जो ब्लू कलर से मैं बना रही हूं ये भी आपका हेपेटिक वेन है, ये जो मैं यहां पे बना रही हूं, ये देखो ये क्या है, ये एक हेपेटिक वेन का ब्रांच है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूं, हाँ ठीक है, ये एक हेपेटिक वेन है। हेपेटिक वेन क्या करता है बोलोगे, मैम हेपेटिक वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एक्चुअली ये जो है इट इज अ ब्लड विच इज डीऑक्सीजनेटेड नेचुरली बट इट इज ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ऐसा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है एंड इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका हेपेटिक वेन हो गया, ठीक है। और भी ब्रांच जाते हैं, मान लो यहां से भी यहां पे ऐसे गया, यहां पे अटैच हो गया, दूसरा ब्रांच जा रहा है मान लो यहां पे, ठीक है। मैं सारा नहीं ड्रॉ कर रही हूं, मैं केवल एक ही का दिखा रही हूं, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं, इसमें क्या हुआ बेटा, देखो ये आपके हेपेटिक सेल्स है, यहां पे जो ये चीजें हैं ये आपके हेपेटिक सेल्स है, ये क्या है, हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स जो है ये आपका बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हेपेटिक सेल्स क्या करता है, हेपेटिक सेल्स आपका बाइल प्रोड्यूस करता है। आप यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे एक लंबा सीधा सा एक ऐसा डंडा है, है ना, एक ऐसा यहाँ पे लंबा सीधा सा आपका एक डंडा है। इस डंडे को हम क्या बोलते हैं, इस डंडे को बोला जाता है हेपेटिक कॉर्ड। क्या बोला जाता है, हेपेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो डंडा है जिसके ऊपर सारे हेपेटिक सेल्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक कॉर्ड। अब
यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्स्यूल। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्लिसन्स कैप्स्यूल। ग्लिसन्स कैप्स्यूल क्या होता है? ग्लिसन्स कैप्स्यूल जो है ये आपका हेपेटिक लोब्यूल का कवरिंग है। हेपेटिक लोब्यूल जो है इट इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू। इस थिन कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्स्यूल। थिन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लिसन्स कैप्स्यूल बोलते हैं। व्हाट इज ग्लिसन्स कैप्स्यूल? इट इज द थिन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, और सबसे इंपॉर्टेंट, ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लिवर। ये क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लिवर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लिवर जो है आपका क्या है? ग्लिसन्स कैप्स्यूल। व्हाट इज ग्लिसन्स कैप्स्यूल? ग्लिसन्स कैप्स्यूल इज द थिन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। ये आपका हेपेटिक लोब्यूल है। हेपेटिक लोब्यूल से है ना, हेपेटिक लोब्यूल को कवर करने वाला जो आदमी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्स्यूल। ये आपका हेपेटिक आर्टरी है ब्रांच का, ठीक है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, ये क्या है? ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, HPV। ये क्या है? दिस इज योर हेपेटिक पोर्टल वेन। अब ये हेपेटिक आर्टरी और ये हेपेटिक पोर्टल वेन ग्लिसन्स कैप्स्यूल में जा रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के लिए, ठीक है। अब यहां पे हम लोग जो खाली स्पेस देख रहे हैं, यहां पे ये जो आपके खाली स्पेस हैं, यहां पे जो हर हेपेटिक सेल्स के बीच में जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं साइन्यूसॉइड्स। इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं साइन्यूसॉइड्स, ठीक है। द खाली स्पेस इज नोन एज साइन्यूसॉइड। अब बात करते हैं हेपेटिक सेल की। ये जो आपका हेपेटिक सेल है ये बाइल प्रोड्यूस करता है, और आपका बाइल प्रोड्यूस करने के बाद, बाइल प्रोड्यूस करने के बाद ये अपना बाइल क्या करता है? इन स्पेसेस में रिलीज करता है। यहां पे बाइल प्रोड्यूस हुआ हेपेटिक सेल्स में, प्रोड्यूस होने के बाद ये जो बीच में खाली स्पेस है यहां पे जाके वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इन खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इन खाली स्पेस को हम बोलते हैं बाइल कैनालिक्यूली। तो आपके जो हेपेटोसाइट्स है या फिर हेपेटिक सेल्स है वो बाइल को प्रोड्यूस करने के बाद आपके इन बाइल कैनालिक्यूली में डाल देते हैं। बाइल कैनालिक्यूली से ये आपका जाता है हेरिंग्स कैनाल में। ये जो सामने वाला ग्रीन में कर रही हूं इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज हेरिंग्स कैनाल। क्या बोलते हैं? हेरिंग्स कैनाल। हेरिंग्स कैनाल के बाद ये कहां पे जाएगा? बाइल डक्ट में, हेपेटिक डक्ट में, ठीक है। तो यहां पे ये जो है यहां पे प्रेजेंट होगा आपका हेपेटिक डक्ट। अगर हम इस वाले को ले ले, ये आपके हेपेटोसाइट्स है, ये बाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बीच में अक्यूमुलेट हो रहे हैं बाइल कैनालिक्यूली में, फिर वो कहां जा रहे हैं? फिर वो यहां पे हेरिंग्स कैनाल में जा रहे हैं। उसके बाद यहां पे इस जगह पे जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज योर हेपेटिक डक्ट। तो अगर हम एक ही डायग्राम ड्रॉ कर ले, केवल एक ही डायग्राम यहां पे साइड में इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके मैं ड्रॉ कर रही हूं इस तरीके से, ठीक है। यहां पे आपके हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट है, दीज आर द हेपेटिक सेल्स और हेपेटोसाइट्स जो भी आप बोलते हो उसको,
ठीक है, दीज आर योर हेपेटिक सेल्स और हेपेटोसाइट्स। ये आपके हेपेटिक सेल्स है। अब हेपेटिक सेल्स क्या कर रहे हैं? हेपेटिक सेल्स आपका बाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हेपेटिक सेल्स ये बाइल प्रोड्यूस करने के बाद आपका यहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है बाइल, यहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है बाइल, यहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है बाइल। तो ये क्या है? ये आपका बाइल कैनालिक्यूली है, है ना, बाइल कैनालिक्यूली है। ये आपका हेपेटिक सेल है, ठीक है। बाइल कैनालिक्यूली के बाद वो इस रीजियन में आ रहा है, इस रीजियन को हम क्या बोलते हैं? हेरिंग्स कैनाल, ठीक है। ये क्या है आपका? दिस इज योर हेपेटिक डक्ट। फिर हेपेटिक डक्ट से आपका बाइल बाहर चला जाता है। लीवर कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? उसके लिए उसको डक्ट सिस्टम चाहिए टू कंडक्ट इट सिस्टम आउटसाइड। अब यहां पे क्या है? यहां पे आपका एक वेन है, ये देखो एक वेन है यहां पे, ये देखो वेन है, ठीक है। और क्या है यहां पे आपका? यहां पे है आपका आर्टरी। तो एक आपका वेन होगा एक जगह होगा आपका आर्टरी। इस तरीके से दिस इज योर आर्टरी एंड दिस इज योर वेन, ठीक है। और यहां पे क्या रहता है? हेपेटिक डक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये जो आपका वेन आर्टरी और हेपेटिक डक्ट है, इसको पोर्टल ट्रायड बोला जाता है। व्हाट इज पोर्टल ट्रायड? पोर्टल ट्रायड इज वेन प्लस आर्टरी प्लस हेपेटिक डक्ट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पोर्टल ट्रायड। और ये कहां पे प्रेजेंट है? यहां पे। यहां पे अगर आपका हेपेटिक डक्ट है, यहां पे आपका वेन प्रेजेंट होगा, और इधर कहीं साइड आपका आर्टरी प्रेजेंट होगा, क्योंकि आर्टरी भी आपका इधर से ही अंदर आ रहा है और वेन भी आपका इधर से ही अंदर आ रहा है। समझ में आया? अगर तुमको कोई बाइल का पाथवे पूछे तो क्या बोलोगे? पहले बाइल कहां पे आता है? हेपेटिक सेल प्रोड्यूस करता है। हेपेटिक सेल से वो कहां जाता है? वो बाइल कैनालिक्यूली में जाता है। बाइल कैनालिक्यूली में जाने के बाद वो कहां पे जाता है? वो जाता है हेरिंग्स कैनाल में। हेरिंग्स कैनाल में जाने के बाद वो कहां पे जाता है? हेपेटिक डक्ट में। समझ में आया? तो ये आपका हेपेटिक लोब्यूल का एक स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर हेपेटिक लोब्यूल। तो क्या हुआ? ये आपका हेपेटिक लोब्यूल है। हेपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय, अच्छा ये आपका सेंट्रल वेन है ना, ये आपका सेंट्रल वेन है। दिस इज योर सेंट्रल वेन, ये आपका सेंट्रल वेन है, ठीक है। फिर ये सेंट्रल वेन क्या करता है? ये जाके हेपेटिक पोर्टल वेन में जाके जुड़ जाता है इस तरीके से। तो हम क्या देखे कि ये आपका हेपेटिक लोब्यूल है। हेपेटिक लोब्यूल के अंदर क्या है? हेपेटोसाइट्स है। ये आपके हेपेटोसाइट्स है। अब हेपेटोसाइट्स क्या रिलीज करता है? बाइल। ये बाइल फिर कहां जाता है? ये छोटे छोटे स्पेस में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिक्यूली। बाइल कैनालिक्यूली में जाने के बाद ये और एक जगह में जाता है, जो ये वाला पोर्शन है आपका, जिसको हम क्या बोले थे? जिसको हम हेरिंग्स कैनाल बोले थे, है ना। हेरिंग्स कैनाल में जाने के बाद ये हेपेटिक डक्ट में गया। तो यहां पे जब मैं बड़ा करके ड्रॉ की, ये आपका हेपेटिक कॉर्ड है, ये आपका हेपेटिक सेल है, इसमें से बाइल रिलीज हो रहा है, रिलीज होके बाइल कैनालिक्यूली में जा रहा है, उसके बाद सारे बाइल कैनालिक्यूली से बाइल इधर आ रहा है हेरिंग्स कैनाल में, फिर हेपेटिक डक्ट से वो बाहर चला जा रहा है। और साथ ही साथ में यहां पे हमें एक वेन देखने को मिला, यहां पे एक आर्टरी देखने को मिला, जिसको हम क्या बोले? पोर्टल ट्रायड। तो व्हाट इज पोर्टल ट्रायड? वेन प्लस आर्टरी प्लस हेपेटिक डक्ट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है यहां तक। व्हाट इज साइनुसॉइड्स? साइनुसॉइड्स क्या होता है? साइनुसॉइड्स इज स्पेस बिटवीन हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइनुसॉइड्स, ठीक है। अब ये साइनुसॉइड्स के पास क्या क्या चीजें रहती है? इस साइनुसॉइड के पास रहता है आपका नंबर वन कप्फर सेल्स।
क्या रहता है? कपफर सेल्स. कपफर सेल्स क्या होता है? दिस इज द फैगोसिटिक सेल ऑफ लिवर. कपफर सेल क्या होता है? दिस इज द फैगोसिटिक सेल ऑफ लिवर. और बी रहता है आपका फैट सेल्स, जो क्या करता है? लिवर में फैट स्टोर करता है. तो आपका ये जो साइनुसॉइड्स है, ये जो बीच में आपका साइनुसॉइड्स है, यहां पे क्या क्या रहता है? नंबर वन कपफर सेल्स रहता है, साथ ही साथ में रहता है आपका फैट सेल्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल. अगेन और एक बार रिविजन, हेपेटिक लोब्यूल क्या करता है? इट कंटेन्स हेपेटोसाइट्स और हेपेटिक सेल्स, जो आपके किसको प्रोड्यूस करता है? बाइल को. बाइल प्रोड्यूस करने के बाद कहां पे जाता है? ये छोटे छोटे स्पेस में अक्यूमुलेट होता है. बाइल कैनालिक्यूली से ये हेरिंग्स कैनाल में जाता है, उसके बाद हेपेटिक डक्ट में, हेपेटिक डक्ट से बाहर. नाउ दिस हेपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाई ग्लिसन्स कैप्स्यूल, विच इज अ थिन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल. इसके बाद आपका जो लिवर है ना, ये आपका लिवर के अंदर ये हेपेटिक लोब्यूल रहता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करता है और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हेपेटिक पोर्टल वेन से उसको मिलता है. लिवर हैज अ स्पेशल सप्लाई ऑफ ब्लड, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम डिटेल में पढ़ेंगे. आप प्लीज काइंडली इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिवर. आई होप आप सबको यहां तक समझ में आया है कि साइनुसॉइड्स के बीच में कपफर सेल और फैट सेल रहता है. कपफर सेल्स लिवर के फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, जो जर्म्स को मारते हैं. फैट सेल्स फैट को स्टोर करता है. ग्लिसन्स कैप्स्यूल केवल और केवल आपके मैमिलियन लिवर में रहता है, राइट. पोर्टल ट्रायड हम किसको बोलते हैं? ये ऊपर वाले सीन को हम पोर्टल ट्रायड बोलते हैं, जहां पे हेपेटिक डक्ट रहता है, आर्टरी भी रहता है और वेन भी रहता है. ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है. इसको एक बार देख लो, फिर हम लिवर के फंक्शंस कंटिन्यू करेंगे. चलो आई होप यहां तक सबको समझ में आया. अब मैं ये सुंदर, बहुत सुंदर डायग्राम अभी रब करने वाली हूं मैं. आई होप सब लोग अपने एक्सरसाइज बुक्स में नोट्स को कॉपी कर लेते हो, है ना. चलो आज हम लोग अभी अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिवर. हम जो लिवर यहां पे पढ़ रहे हैं, लिवर का फंक्शंस क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर? लिवर का फंक्शन, जैसे कि मैंने बोला, बाइल को सिक्रीट करना होता है. लेकिन ये बाइल लिवर से इंटेस्टाइन तक कैसे जाता है, उसका सफर हम लोग कल पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लिवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंड व्हाई इज लिवर सच अ इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आर बॉडी. क्यों हम लिवर को इतना महत्व देते हैं? ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लिवर. लिवर का पहला फंक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ बाइल. अब ये जो बाइल है, ये एसिडिक नहीं है, ये अल्कलाइन है विद अ पीएच ऑफ 6.8. ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है कि लिवर का फंक्शन क्या होता है. लिवर का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल. ठीक है, और बाइल का पीएच कितना रहता है? इट इज द पीएच 6.8. अब ये बाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बाइल क्या करता है? बाइल को तो लिवर सिक्रीट कर रहा है, लेकिन ये स्टोर गॉल ब्लैडर में हो रहा है. फंक्शन क्या है? पहली बात, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है, नंबर वन. नंबर टू, बाइल क्या करता है? स्टमक का खाना जो इंटेस्टाइन में आ रहा है, उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है आपका बाइल. तो बाइल का क्या फंक्शन होता है? बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट. बाइल क्या करता है? बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट. एंड बाइल और क्या करता है? बाइल
एंड न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ काइम. और क्या करता है? इट न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ काइम. काइम मतलब क्या था? स्टमक से जो एसिडिक खाना आपके इंटेस्टाइन में आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम काइम बोलते हैं. बाइल क्या करता है? वो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, साथ ही साथ में इट न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ काइम. नंबर थ्री, क्या बाइल के पास कोई एंजाइम है? नहीं, बाइल डज नॉट हैव एनी एंजाइम. बाइल डज नॉट हैव एनी एंजाइम. बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, बट इट एक्टिवेट्स फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज. बाइल के पास तो कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन बाइल फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज लाइपेज को एक्टिवेट करता है. बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन बाइल क्या कर रहा है? इट एक्टिवेट्स द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज. अब बाइल बनता किससे है? बाइल के अंदर क्या क्या चीज रहता है? बाइल जो है, वाह, बाइल जो है, बाइल हैज पिगमेंट्स. कौन से पिगमेंट्स रहते हैं आपके बाइल में? बाइल के पास कौन से पिगमेंट्स रहते हैं? बाइल में रहते हैं आपका बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन. क्या रहता है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. ये क्या करते हैं? ये जो आपका बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन का कलर क्या होता है? येलो कलर. और बिलीवर्डिन का कलर क्या होता है? बिलीवर्डिन का कलर होता है ग्रीन कलर. तो बाइल के पास ये दोनों पिगमेंट रहते हैं. नंबर वन, बाइल में रहता है आपका बाइल सॉल्ट्स. ये सारे नीट के क्वेश्चन हैं. बाइल में कौन से पिगमेंट रहते हैं? बाइल का सॉल्ट क्या है? बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं रहता, लेकिन वो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज को एक्टिवेट करता है. लिवर, बाइल का पीएच कितना है? बाइल का फंक्शन क्या है? ये सारे नीट के क्वेश्चन है. बाइल सॉल्ट्स क्या है? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, और साथ ही साथ में है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है आपके बाइल सॉल्ट्स एंड ये है आपके बाइल के पिगमेंट्स. बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स. नेक्स्ट इज, व्हाट आर द बाइल एसिड्स? बाइल में कौन से एसिड्स प्रेजेंट है? बाइल एसिड्स, बाइल में रहता है आपका कोलिक एसिड, ठीक है. नेक्स्ट आपका रहता है डीऑक्सीकोलिक एसिड, और रहता है आपका किनोडीऑक्सीकोलिक एसिड. सो ये है आपका बाइल का कंस्टिट्यूएंट्स. बाइल और क्या करता है? लिवर का जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाइल के थ्रू ही आपके इंटेस्टाइन में जाता है, फिर इंटेस्टाइन से आपका एनस तक चला जाता है. तो ये और एक पॉइंट हम लिख लेंगे कि आपका ये जो बाइल है, बाइल carries wastes from liver to intestine from where it is thrown out as feces. ठीक है, बाइल जो है ये आपका वेस्ट कैरी करता है लिवर से इंटेस्टाइन में, जहां से वो फीसेस से बाहर चला जाता है. नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? नेक्स्ट इसका फंक्शन है, ये जो बाइल सॉल्ट्स है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ये क्या करता है? बाइल सॉल्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, दैट इज इमल्सिफिकेशन.
व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? मैंने आपको बोला बाइल जो है ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन कैसे ये जो बाइल है इसके अंदर जो बाइल सॉल्ट्स है ये आपके लार्ज फैट्स को स्मॉल फैट्स में कन्वर्ट कर देता है. लार्ज फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फैट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स, उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं. इमल्सिफिकेशन क्या होता है? लार्ज फैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट, उस चीज को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, और इमल्सिफिकेशन कौन करवाता है? इमल्सिफिकेशन करवाता है आपका बाइल सॉल्ट्स, वेयर द लार्ज फैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट. क्लियर? ठीक है, इस तरीके से ये फैट डाइजेशन में मदद करता है. एड्स इन फैट डाइजेशन बाय क्या क्या? एक्टिवेटिंग लाइपेज एंजाइम एंड डूइंग इमल्सिफिकेशन. एक तो ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दूसरा बाइल के अंदर जो बाइल सॉल्ट्स है वो फैट को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है. नेक्स्ट, ये क्या बनाता है? जो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया. ठीक है, लिवर में क्या होता है? लिवर में होता है आपका ऑर्निथिन, सिट्रुलिन साइकिल. ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल जो है ये आपके लिवर में होता है. ठीक है, ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल जो है ये आपके लिवर में होता है, मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ यूरिया बाय दिस साइकिल. लिवर में आपका यूरिया का प्रोडक्शन होता है, कैसे? डीएमिनेशन से. लिवर में ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया बाय डीएमिनेशन, बाय डीएमिनेशन. क्लियर है यहां तक? सो लिवर में ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल होता है जिससे यूरिया का प्रोडक्शन होता है. ये क्या है? इट इज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट. और ये कैसे होता है? बाय द डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स के डीएमिनेशन से हमारा क्या बनता है? यूरिया, दैट इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट. और ये कौन सा साइकिल है? ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल. तो लिवर में आपका ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल होता है, विच मींस एमाइनो एसिड से उनके एमाइनो ग्रुप को हटा दिया जाता है. इसका मतलब क्या है? NH2 ग्रुप रिमूवल. और ऐसा करने से आपका क्या प्रोड्यूस होता है? यूरिया, यूरिया का. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि लिवर कुछ कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बनाता है. इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन है? What are the excretory products of liver? Urea, ठीक है, cholesterol and wastes of hemoglobin. अब ये hemoglobin का waste क्या है? What is the waste of hemoglobin? इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा होता है? हीमोग्लोबिन का वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या है ये अब हम देखेंगे. आई एम क्वाइट श्योर आप सब लोगों ने जॉन्डिस के बारे में तो सुना ही होगा. अब हम देखेंगे कि ये जॉन्डिस कैसे होता है. ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम जॉन्डिस पढ़ेंगे. चलो हम लोग अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन के वेस्ट प्रोडक्ट्स. हम सब जानते हैं कि लिवर में आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन. तो आरबीसी के डेथ होने के बाद है ना, ओल्ड आरबीसी आर ब्रोकन डाउन बाई कपफर सेल्स. मैंने बोला है ना कपफर सेल्स आपके फैगोसिटिक होते हैं. तो कपफर सेल्स क्या होता है? जो आपके ओल्ड आरबीसी है, मतलब आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? 120 डेज. आफ्टर 120 डेज जो आरबीसी आपके रहते हैं ओल्ड आरबीसी, उनको लिवर कपफर सेल्स के थ्रू मार देता है. अब जब आपका आरबीसी ब्रोकन डाउन हो रहा है तो यहां पे आपका एक पिगमेंट
पिगमेंट निकलेगा। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट रहता है, हमने पढ़ा है हीमोग्लोबिन। तो आपका आरबीसी जब टूटता है इससे क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज रिलीज्ड। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है ये किधर जाता है, इट एंटर्स द लिवर सेल्स, है ना, इट एंटर्स द लिवर सेल्स। अब ये जो आपका एचबी है इसमें क्या क्या रहता है, एक प्रोटीन रहता है ग्लोबिन और एक हीम पार्ट रहता है जो आयरन से बना होता है जिससे आपका रेडिश ब्राउन पिगमेंट देता है ये हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम, दैट इज द आयरन पिगमेंट एंड ग्लोबिन। तो जब ये हीमोग्लोबिन आपके लिवर सेल के अंदर जाता है, लिवर सेल क्या करता है, ग्लोबिन इज रिलीज्ड, है ना, ग्लोबिन को रिलीज कर देता है। ठीक है, और ग्लोबिन क्या है, एमाइनो एसिड है, तो इसको रीयूज करता है, रीयूज ऑफ ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जब आपका रीयूज हो गया, ग्लोबिन जब रिलीज हो गया, बचा क्या, हीम इज फॉर्म्ड, क्या बचा, हीम, है ना, हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन चला गया, कहां चला गया, हीम जब आपके लिवर सेल के अंदर गया तो आपका जो है ग्लोबिन चला गया, हीम रह गया। अब इस हीम के साथ क्या होगा, इस हीम से हम लोग एंजाइम डालेंगे ऑक्सीजिनेज। हीम में जब हम ऑक्सीजिनेज एंजाइम डालते हैं इससे आपका आयरन बाहर निकल जाता है जो रीयूज हो जाता है। ठीक है, और हीम क्या बना देता है, बिलीवर्डिन, जो आपका बाइल का ग्रीन पिगमेंट है, बिलीवर्डिन। ठीक है, ये बिलीवर्डिन के अंदर तुम एंजाइम अगलीवर डालता है रिडक्टेज, क्या बनता है, बिलीरुबिन, द येल्लो कलर्ड पिगमेंट। अब ये बिलीरुबिन क्या करता है, ये बिलीरुबिन आपके बाइल सॉल्ट्स के साथ अटैच होता है और बाइल जूस के साथ इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अटैचेस विथ बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स के साथ ये अटैच हो जाता है एंड गेट एक्सक्रीटेड With bile। ठीक है, आपका जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ये बाइल सॉल्ट के साथ अटैच हो जाता है एंड इट गेट्स एक्सक्रीटेड विथ बाइल, ये बाइल के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला लिवर से बाइल इंटेस्टाइन में जाता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये आपके बॉडी के अंदर नहीं रह सकते। बिलीवर्डिन आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट है, बिलीरुबिन आपका येलो कलर का पिगमेंट है जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है जब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। आरबीसी के ब्रेकडाउन से आपका बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन प्रोड्यूस हुआ है, राइट। तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जब आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको बाइल के थ्रू हम इंटेस्टाइन में लेके जा रहे हैं ताकि इसको हम एक्सक्रीट कर पाए, करेक्ट, अटैचेस विद बाइल सॉल्ट एंड गेट्स एक्सक्रीटेड विद बाइल। अब ये क्या करता है, इट रीचेस इंटेस्टाइन, रीचेस इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है वो इसके ऊपर काम करता है, बैक्टीरिया एक्ट्स एंड डिग्रेड्स इट, बैक्टीरिया एक्ट्स एंड डिग्रेड्स इट। जब इसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करके इसको डिग्रेड करता है इससे एक चीज बनता है जिसको हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजेन। ठीक है, क्या है ये, यूरोबिलिनोजेन। अब ये यूरोबिलिनोजेन जो है ये दो चीजों में टूटता है, एक है आपका स्टर्कोबिलिन, क्या है, एक स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन कैसे एक्सक्रीट आउट हो जाता है, विथ फेसेस, एक्सक्रीटेड विथ फीसेस। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है दिस यूरोबिलिनोजेन, इट गेट्स एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड और किडनी के थ्रू ये फिल्टर आउट होता है और यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो दूसरा वाला क्या करता है, दूसरा वाला क्या करता है, गेट्स एब्सॉर्ब्ड इन ब्लड
gets absorbed in blood and filters out as urine. अब यूरिन का जो लाइट येलो कलर होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ यूरोबिलिन. इट इज बिकॉज ऑफ यूरोबिलिन जो यूरिन का येलो कलर होता है. ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे आरबीसी का जब ब्रेकडाउन हो रहा है, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन टूट रहा है और ये इंटेस्टाइन में जाके ये स्टर्कोबिलिन बना रहा है और यूरोबिलिन बना रहा है. एक फीसिस के साथ एक्सक्रीट हो रहा है, एक यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो रहा है. यहां पे जॉन्डिस कहां से आया? मान लो अगर लिवर में कोई खराबी आ जाए तो ये जो बिलीरुबिन है ये इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचता है. तो बिलीरुबिन अगर इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेगा, क्या ये एक्सक्रीट आउट होगा? नहीं होगा. तो बिलीरुबिन अगर बॉडी में जमने लगेगा तो ब्लड येलो कलर का हो जाएगा ना, इसीलिए जॉन्डिस में येलो हो जाता है, पीलिया रोग बोलते हैं. क्यों? यहां पे मैं लिख रही हूं, बिलीरुबिन डज नॉट रीच द इंटेस्टाइन एंड गेट एक्सक्रीटेड. बिलीरुबिन जो है ये इंटेस्टाइन तक पहुंचता ही नहीं है और ना ही इसका एक्सक्रीशन होता है. तो बिलीरुबिन क्या होता है? मिक्सेस विद ब्लड. बिलीरुबिन क्या करता है? इट मिक्सेस विद ब्लड और ब्लड का कलर क्या हो जाता है? येलोइश. और इससे क्या होता है? जॉन्डिस या पीलिया रोग. अब लिवर में क्या क्या ऐसा चीज होता है जिससे ये हो सकता है? नंबर वन, कोई आदमी बहुत ज्यादा दारू पीता है, एल्कोहोलिज्म. नंबर टू रीजन इसका क्या हो सकता है? नंबर टू हो सकता है कि लिवर में हेपेटाइटिस वायरस हुआ है, हेपेटाइटिस वायरस इन लिवर. तीसरा क्या हो सकता है भाई? बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन. अगर बाइल डक्ट किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो क्या बाइल डियोडेनम यानी कि इंटेस्टाइन तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है. तो इससे क्या होगा? इससे आपके जो बाइल पिगमेंट्स है वो आपके बॉडी में बढ़ते रहेंगे और होता है आपका जॉन्डिस. क्लियर है यहां तक? सो दिस इज अ साइकिल जहां पे आप आरबीसी की मौत देख पाते हो कि आरबीसी लिवर में आके ब्रेक डाउन हुआ बाई कपफर सेल्स. आरबीसी बनता किससे है? हीमोग्लोबिन से. हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट है जो प्रोटीन है और एक हीम है. जब ये हीमोग्लोबिन लिवर सेल के अंदर गया, लिवर ग्लोबिन को उड़ा दिया और सिर्फ हीम रह गया. हीम से आयरन को भेज दिया तो बिलीवर्डिन बना, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बना. अब यही बिलीरुबिन तुम्हारा इंटेस्टाइन में जाता है थ्रू बाइल. अगर तुम्हारा बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बाइल डक्ट में कुछ दिक्कत आ गई, इसके आगे स्टेप जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा? बाइल पिगमेंट बढ़ेगा. अगर इंटेस्टाइन में ये चला गया, इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करके यूरोबिलिनोजेन बना देंगे. यूरोबिलिनोजेन फीसिस के साथ एक्सक्रीट हो जाएगा स्टर्कोबिलिन और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, किडनी से फिल्टर हो जाएगा एज यूरोबिलिन. तो ये एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का. अगर ये एक्सक्रीशन नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो क्या होता है? आपका जॉन्डिस. आई होप आप सब लोगों को यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया. अब हम लिवर के बाकी फंक्शंस देखेंगे कि लिवर के और क्या फंक्शंस आपके होते हैं. ठीक है, व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ लिवर? ये जो मैंने हेपेटिक लोब्यूल पढ़ाया, चाहे मैंने यहाँ पे ये जॉन्डिस पढ़ाया, ये सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेडिकल एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू. जो भी मैं क्लास में पढ़ा रही हूं, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लो सो यू कैन गेट अ हुपिंग 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी. कहां पे? नीट पे, है ना?
राइट तो आप जो भी मैं पढ़ा रही हूं क्लास में सारे क्वेश्चन है। चलो अब लिवर के बाकी फंक्शन देखते हैं। लिवर जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सेप्ट गामा ग्लोब्यूलिन। सारे प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है एक्सेप्ट गामा ग्लोब्यूलिन। तो ये गामा ग्लोब्यूलिन आपका कहां पे बनता है? लिम्फोसाइट्स में। गामा ग्लोब्यूलिन कहां पे बनता है? लिम्फोसाइट्स में। तो कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स का आपका ये सिक्रीशन करता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स एक तो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, साथ ही साथ में जो आपके ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, दैट इज फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर फॉर्म्ड हियर। फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, साथ ही साथ में जो ब्लड का एंटी कोएगुलेंट है जिसके वजह से आपका ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है वो भी यही बनता है हेपेरिन, दैट इज योर एंटी कोएगुलेंट। सो लिवर जो है प्लाज्मा में रहने वाले सारे प्रोटीन को बना रहा है एक्सेप्ट गामा ग्लोब्यूलिन, ये आपका लिम्फोसाइट बनाता है, लेकिन लिवर एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बनाता है, हेपेरिन जो कि आपका एंटी कोएगुलेंट है। आगे लिवर और क्या करता है? लिवर जो है ये आपके सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। इसके साथ साथ लिवर और क्या करता है? लिवर जो है आपका फैट स्टोर करता है। लिवर स्टोर्स फैट, बताया था ना मैंने फैट सेल्स में लिवर फैट स्टोर करता है। लिवर स्टोर्स फैट और यही फैट जब ज्यादा हो जाता है लिवर में, यही फैट जब लिवर में ज्यादा होता है तो इससे एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस क्या होता है? एक्सेस ऑफ फैट स्टोरेज इन लिवर कॉजेज लिवर सिरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, आपका ये जो लिवर है इट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। लिवर जो है इट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, क्यों? क्योंकि लिवर में बहुत सारे आपके मिनरल्स स्टोर होते हैं, ठीक है। स्टोर्स मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स का स्टोरेज होता है यहां पे? जिंक, कोबाल्ट, निकल, आयरन, है ना, साथ ही साथ में कॉपर, मॉलिब्डेनम, ठीक है। ये सब मिनरल्स आपके कौन स्टोर करता है? लिवर। साथ ही साथ में लिवर जो है आपके बॉडी का लिम्फ फॉर्मेशन भी करता है। व्हाट इज लिम्फ? जिसमें आरबीसी नहीं है, केवल और केवल आपके डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। और क्या करता है? इट स्टोर्स ग्लाइकोजन, है ना। हमारे एनिमल्स में शुगर कैसे स्टोर होता है? एज ग्लाइकोजन। प्लांट में कैसे स्टोर होता है? स्टार्च। तो ये जो आपका ग्लाइकोजन का स्टोरेज है ये कहां पे हो रहा है? लिवर में होता है। ग्लाइकोजन जो है ये लिवर में भी स्टोर होता है और मसल्स में भी स्टोर होता है, ये दोनों जगह पे ये स्टोर होता है। और विटामिन ए को स्टोर करता है, डी को स्टोर करता है, ई के एंड विटामिन बी 12 आर स्टोर्ड ओवर हियर। आपका जो लिवर है ये आपका बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का प्रोडक्शन भी कराता है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन, कैरोटीन से ये विटामिन ए का प्रोडक्शन कराता है। व्हाट इज कैरोटीन?
व्हाट इज कैरोटीन, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीटा कैरोटीन की, द इनएक्टिवेटेड विटामिन पार्ट प्रेजेंट इन कैरेट। तो अगर आप गाजर खाते हो तो उस गाजर से आपका विटामिन ए का प्रोडक्शन कौन करवाएगा? लिवर। क्लियर है? नेक्स्ट ये क्या करता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, है ना, आरबीसी फॉर्मेशन। नेक्स्ट ये क्या करता है? जितने भी आपके बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, लिवर उसको हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो लिवर का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। क्या काम होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? लिवर कन्वर्ट्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस टू हार्मलेस सब्सटेंसेस। टॉक्सिक मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को हार्मलेस सब्सटेंसेस में कौन कन्वर्ट करता है? आपका लिवर। लिवर का फंक्शन क्या है? लिवर का फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। क्लियर है यहां तक? डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है? टॉक्सिक मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस ऑफ लिवर आर कन्वर्टेड टू हार्मलेस सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है? ये करता है प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन। इसको याद रखना, ये जो है ये आपका एंजियोटेंसिनोजेन का प्रोडक्शन कराता है, जो आपके किडनीज में ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मोरेगुलेशन इन किडनीज, है ना, किडनीज में ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है आपका एंजियोटेंसिनोजेन, जो आपका लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। ये आएगा, ये एक्सक्रीशन में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? वाटर बैलेंस, है ना, बॉडी में ज्यादा वाटर रिटेन्ड रहे, उसका काम हम करता है किडनीज। तो ऑस्मोरेगुलेशन कौन करवाता है? एंजियोटेंसिनोजेन। तो ये आपके लिवर के फंक्शन से आप देख सकते हो, लिवर जो है वो बंद हो ही नहीं रहा है। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम प्रोड्यूस करता है, फैट स्टोर करता है, मिनरल स्टोर करता है, ग्लाइकोजन विटामिन सब कौन स्टोर कर रहा है आपके बॉडी में? लिवर। लिवर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हो जो पॉइजन खा के मतलब मान लो कोई सुसाइड कर रहा है या फिर गलती से अगर कोई पॉइजन खा लेता है तो उसका जो ऑर्गन गड़बड़ाता है वो आपका लिवर ही है। ठीक है, ओके, चलो इसको एक बार देख लो, फिर जो है हम लोग और इंपॉर्टेंट लिवर के फंक्शंस करेंगे जहां से एक्चुअली आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो मैं अभी फंक्शन अभी आपको पढ़ाने वाली हूं ये थोड़ा पैनक्रियास से रिलेटेड है, बट डोंट वरी, कल मैं आपको पैनक्रियास डक्ट सिस्टम ये सब मैं पढ़ाऊंगी, और ये अभी जो फंक्शंस पढ़ेंगे ये इजी है, ये समझ में आ जाएगा। आपको पता है ना डायबिटीज होता है जब कोई इंसान को, तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है? इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। इंसुलिन तो क्या करता है ये इंसुलिन, ऐसा क्यों होता है देखते हैं। चलो, अब जो लिवर का फंक्शन है दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। क्या फंक्शन है ये? ग्लाइकोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ग्लाइको का फॉर्मेशन मतलब ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या है? मेकिंग। ग्लाइको मतलब क्या है? ग्लाइकोजेन। वर्डों को तोड़ो तो पता चल गया ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या है? ग्लाइकोजेन को मेक करना। तो लिवर क्या करता है? आपके बॉडी के एक्सेस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजेन में। लिवर क्या करता है? एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, और इसके लिए उसका मदद करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? डायबिटीज में क्या होता है बोलो? डायबिटीज में आपका बॉडी शुगर इंक्रीज होता है, तो डॉक्टर क्या करता है?
बॉडी शुगर को नीचे करने का कोशिश करता है, तो आपके बॉडी में जो बॉडी शुगर को नीचे करने की कोशिश करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करता है, वो इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? और ये कहां पे हो रहा है, लिवर में। लेकिन इंसुलिन किसका सिक्रीशन है, इंसुलिन पैनक्रियास का सिक्रीशन है। तो ये लिवर में कैसे आया, ये हम कल पढ़ेंगे कैसे आया। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजीनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक। मतलब ग्लाइकोजन को हम तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोस में। सो ग्लाइकोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोस विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागन। और ये ग्लूकागन भी कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, पैनक्रियास में। अब ये पैनक्रियास से आपका लिवर में कैसे आया, थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम क्या आता है, पैनक्रियास ब्लड में इंसुलिन को छोड़ दिया, वो लिवर में चला गया। ग्लूकागन का भी यही काम करता है, ठीक है। ग्लूकागन एंड इंसुलिन आर सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास। व्हाट आर दे आर हॉर्मोन्स। क्या है ये, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होता है, एक जगह से सिक्रीट हो जाता है, ब्लड में जाके चला जाता है, और फिर ब्लड से अपने टारगेट ऑर्गन में। तो यहाँ पे हमारा टारगेट ऑर्गन लिवर है, और ये कहाँ से सिक्रीट हुआ है, पैनक्रियास से। पैनक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागन को क्या किया, ब्लड में डाल दिया, वहां से वो लिवर में चला गया। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, लीपोजेनेसिस। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, लीपोजेनेसिस। लीपोजेनेसिस मतलब क्या होता है, एक्सेस ग्लूकोज एंड एमाइनो एसिड्स। लीपो मतलब लिपिड, है ना। जेनेसिस मतलब मेकिंग, किसको हम मेक कर रहे हैं, यहां पे लिपिड को बना रहे हैं। सो एक्सेस ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये फैट्स में, लिपिड्स में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीपोजेनेसिस। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब, ग्लूको मतलब ग्लूकोस, ग्लूको मतलब पता चल गया मैम ग्लूकोस है। जेनेसिस का मतलब मैम आप बोले हैं मेकिंग है। नियो मतलब क्या है मैम, नियो मतलब है न्यू। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन जो है ये बन रहा है, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड बट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। इसीलिए नियोजेनेसिस, फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। कौन कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है, ये एमाइनो एसिड और फैट्स, ये आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है। तो ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन जो है ये आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी कि एमाइनो एसिड और फैट से जब बनता है, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। लीपोजेनेसिस मतलब एक्सेस ग्लूकोज एंड एमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड टू फैट्स। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना इंटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना। तो यहां तक था हमारा लिवर का फंक्शंस। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि हाउ इज द डक्टल सिस्टम देयर बिटवीन लिवर, पैनक्रियास एंड इंटेस्टाइन, और हम स्टार्ट करेंगे आपका पैनक्रियास। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो हिट द बेल आइकन, इट मीन्स अ लॉट टू अस। आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एंड प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।